पश्चिम बंगाल में हो रही बर्बरता और गत दिनों वहां एक महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी के विरोध में उमरिया जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी, जिसके बाद पूरे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। इस दौरान हाथों में पर्चे लिए मरीज और उनके परिजन डॉक्टरों को तलाशते रहे। वहीं कई गंभीर मरीजों को इलाज नसीब नहीं हो सका। इस दौरान सुबह से अपना इलाज कराने आई गर्भवती महिलाओं की संख्या अधिक थी और वह कराती हुई डॉक्टरों का इंतजार करती रही। पूरे जिले भर में बंद हुई ओपीडी से स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ गई हैं और मरीज इलाज के लिए तड़प रहे हैं। क्या हो गया उसको? उसका पेट में दर्द है, टट्टी पेशाब बंद है उसका। यहाँ काहे लेटा हो, क्या परेशानी है? यहाँ तो आए हैं डॉक्टर, यहाँ हड़ताल में है तो क्या करेगा? कितने बजे से आ रहे हो? 9 बजे। दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे पश्चिम बंगाल में आज कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है जो कि कोलकाता में है, जहां की एक महिला रेसिडेंट डॉक्टर के को सामूहिक रूप से उसका दुष्कर्म कर उसको सेमिनार रूम में ही उसको जघन्य रूप से उसको मार दिया गया है। और जिसके संदर्भ में जो भी सबूत थे उनको भी मिटाने के लिए कल 14 अगस्त की रात्रि को कम से कम 10,000 से 15,000 की भीड़ जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से जो डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर हमला किया गया एवं जो घटना स्थल सेमिनार हॉल था उसको पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया ताकि सबूतों को ख़त्म किया जा सके। उसी के घटना के तारतम्य में आज चिकित्सा अधिकारी स्वशासी महासंघ मध्य प्रदेश के द्वारा आज दिनांक 16/8/2024 को आज दोपहर 12 से 1 के लिए ओपीडी का कार्य बंद करने के लिए निर्देश प्राप्त हुए थे। उसी के तारतम्य में हम समस्त चिकित्सा अधिकारी जो कि जिला उमरिया के हैं हम लोगों ने 12 से 1 घंटे के लिए ओपीडी के कार्य बंद रखा है एवं आकस्मिक